नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अभी जो खरीफ की प्याज की फसल लगा रखी है उसमें जलोबी रोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में किसान साथियों के साथ ये हुआ है कि पूरे पूरे खेत तबाह हो गए हैं दोस्तों तो दोस्तों यह क्यों आता है इसके क्या उपचार है आज उसकी पूरी बात करेंगे और इसको किस स्टेज पर कंट्रोल किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे दोस्तों तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आप तक हम जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे चाहे वह खेती से संबंधित हो या मंडी भाव से संबंधित हो

कोने में या कहीं पे भी खेत के एक हिस्से में पहले आता है और उस स्टेज पर इसे अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह पूरे खेत में फैल जाता है और किसान भाई की पूरी फसल भी चौपट सौ प्रतिशत तक भी कर सकता है दोस्तों अब ये तो सवाल हो गया कि यह जलेबी रोग क्या है अब सवाल आता है कि जलेबी रोग क्यों आता है दोस्तों यह बहुत सारे कारणों से आता है और इसमें सबसे अभी महत्वपूर्ण कारण अभी की फसल में खरीफ की फसल जो बारिश की फसल होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि अभी लगातार बारिश हो रही है और मौसम में बहुत ज्यादा जरूरत से बहुत ज्यादा नमी हैं दोस्तों और फसल को धूप भी नहीं मिल रही है जिससे कि उसके भोजन में भी कमी आई है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है और उसके साथ ही मौसम में लगातार नमी है खेत में ऊपर से भी पानी गिर रहा है नीचे भी पानी कहीं भरा हुआ है तो कहीं मिट्टी में 100 प्रतिशत नमी है दोस्तों अभी तो इसमें क्या होता है कि जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी फसल के आसपास की मिट्टी में और वातावरण में बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे करके यह फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी उ... से आगे निकल जाते हैं और उस प्रसर को प्रभावित करके उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं दोस्तों तो कुल मिलाकर यह मौसम में जो अभी नमी है उसमें जो फंगस और बैक्टीरिया पनप रहे हैं उसके कारण होता है दोस्तों यह जैसे ही मौसम खुलेगा उसके साथ ही इसमें अगर हम समय पर अपन उपचार करते रहेंगे हम जो दवाई बता रहे हैं वह आप करते रहोगे तो इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा और इसको अपन बचा सकते हैं फसल को हमारे यहाँ भी आता है ऐसा रोग और हम इसमें क्या उपाय करते हैं आज उसकी आपको टेक्निकल बताएंगे दोस्तों तो दोस्तों हम इसमें एक अच्छा सा फंगी साइड बताएंगे आपको और एक बैक्ट्री साइड बताएंगे जो बैक्टीरिया होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए और जो थ्रिप्स होती हैं उसे ख़त्म करने के लिए एक अच्छा सा हम कीटनाशक भी आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल आपको स्प्रे आपको दो से तीन दिन के अंतराल पर इनका तीनों का स्प्रे करना है जिससे कि आपकी फसल थ्रिप्स से भी सुरक्षित हो जाएगी और फंगस से भी सुरक्षित हो जाएगी और जो बेक्ट्रीसाइड यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी जो बैक्टीरिया की समस्या होती है वह भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी दोस्तों पर उससे पहले आपको फसल में क्या काम करने हैं उसकी बात करें दोस्तों तो आपकी फसल में अभी अगर बारिश होने जैसी स्थिति हो रही है और बारिश अभी लगभग आगामी घंटों में या दिनों में अगले दिनों में होने वाली जैसी संभावना आपको लग रही है तो उसमें सिंचाई बिल्कुल भी ना करें दोस्तों अगर आपने सिंचाई करी और फिर पानी गिर गया तो वो उसका डबल काम हो जाएगा और खेतों में नमी और ज़्यादा हो जाएगी और पानी भरा हुआ एकदम से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों इसलिए आपको अभी सिंचाई का ध्यान बिल्कुल ही पानी का देख कर करना है कि पानी अगर आने वाला हो तो आपको सिंचाई नहीं करना है पानी जैसा माहौल लग रहा है तो आपको सिंचाई नहीं करना है उसके बाद आपको दूसरी सावधानी रखनी है कि आपकी फसल में अगर आपको कुछ कुछ जगहों पर कम मात्रा में जो जलेबी रोग वाले पौधे दिख रहे हैं उनको आपको उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बाहर जगह पर फेंक कर उसे नष्ट कर देना है या गड्ढा खोद कर उसके अंदर भी आप उसको डाल सकते हो दोस्तों यह काम आपको करना है और सिंचाई का बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको कि अगर पानी आने जैसा है तो सिंचाई नहीं करना है उसके बाद दोस्तों अगर बारिश होने जैसा नहीं है तो आप सिंचाई कर सकते हो आपको यह तीनों टेक्निकल हम बता रहे हैं यह सिंचाई जो नमी होती है उसके अंदर आपको जो होता है खेत में जब नमी होती है तब आपको डालना है जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला टेक्निकल आपको लेना है मेटल एक्सिस आठ प्रतिशत प्लस मेनको जेब चौंसठ प्रतिशत डब्ल्यू पी फॉर्म में आता है वो टेक्निकल आपको कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो चाहे आप जो सीजेंटा कंपनी का रेडोमिल के नाम से आता है वो भी ले सकते हो या अडामा कंपनी का सिस्को नाम से आता है वो भी आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों तो उसका स्प्रे आपको करना है उसके एक दो दिन बाद आपको जो अपन बेक्ट्रीसाइड बता रहे हैं जिसमें फंगिसाइड प्लस बैक्ट्री साइड दोनों होता है जिससे कि वह फंगस पर भी काम करेगा और जो बैक्टीरिया है उस पर भी काम करेगा दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों आप काशुगम आइसिन पाँच प्रतिशत प्लस में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पैंतालीस प्रतिशत वाला डब्ल्यू पी फॉर्म वाला फार्मूला आता है वह आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो अगर आपको कंपनी का नाम बताऊं तो आप धनुका कंपनी की जो कोनिका आती है वो बेस्ट होता है दोस्तों वह भी आप ले सकते हो या फिर इससे मिलते जुलते कोई भी टेक्निकल आप कंपनी का यही टेक्निकल दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो दोस्तों अब इसके बाद नंबर आता है दोस्तों थ्रिप्स पर कंट्रोल करने के लिए तो आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए या तो ए सी फेट ले लीजिए अच्छी कंपनी का या फिर जो फिप्रोनिल आता है वह पाँच प्रतिशत वो भी इसी फॉर्म में आता है वो भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो दोस्तों फिर आपके यहाँ पर हल्की थ्रिप से ही आ रही है तो आप जो प्रोपेनोप्लास प्लस साइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है चालीस प्रतिशत प्रोपेनोप्लास प्लस जो चार प्रतिशत साइपर प्लस में आता है वो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो दोस्तों जिससे कि आपकी थ्रिप्स की समस्या भी खत्म हो जाएगी और जो बैक्टी अपन स्प्रे कर रहे हैं उससे जो बैक्टीरिया की समस्या है वह भी खत्म हो जाएगी और फंगी से फंगस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जिससे जड़ गलन की समस्या है वह भी आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों तो दोस्तों यह टेक्निकल का स्प्रे करके और आप हमने जो सावधानियां बताई हैं जो सिंचाई से संबंधित और जो पौधों को उखाड़ कर फेंकने की वो कर कर आप अपने खेतों से जलेबी रोग से बिल्कुल पूरी तरह से लड़ सकते हो और जले भी रोग से पूरी तरह से निजात पा सकते हो दोस्तों तो ये थी जानकारी जलेबी रोग से नियंत्रण के बारे में आपको कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें और इसके बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकेंगे और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वह हमारे किसान भाइयों तक भी ज़रूर पहुंचा सकेंगे और वीडियो कैसा लगा यह कमेंट जरूर करें दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित हमने और भी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं वह भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद